डे 8 ऑफ 30 डे चैलेंज भाई। इंडिया में खतरों के खेलने का अलग ही शौक है भाई। खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 आ चुका है और वो ऑलरेडी नॉन फिक्शन शो में सबसे टॉप पे चला गया है। बोल रहे हैं बिग बॉस को भूल जाओ, अब तुमको मजा आएगा खतरों के खिलाड़ी देखने में। बेसिकली भाई रिसेंटली सब लोग को खतरों से खेलना है, जैसे बिग बॉस में जिया जी सिस्टम फाड़ने का सोच रहे हैं। जब हमने 30 चैलेंज लिया तो खतरों से खेलते हैं। सीजन 13 भी बहुत तगड़ा चल रहा है, इवन दो साथ में बिग बॉस है, वरना अगर बिग बॉस आते उसके बाद खतरों के खिलाड़ी आते। इस बार उल्टा, जब खतरों के खिलाड़ी आ रहे हैं तो बिग बॉस ऑलरेडी आ रहा है, फिर ये चला जाएगा, फिर बाद में मेन बिग बॉस आएगा, फिर उसमें आपको और यूट्यूबर देखने को मिलेंगे। मतलब कलर्स टीवी की तो भाई पैसा ही पैसा होगा भाई। अभी वायकॉम को थूक कम पड़ेगा पैसे काउंट करने के लिए। इसी रीजन के ऐसे केबीसी में भाई इन्होंने ब्लू कलर हटा के रेड कलर कर दिया शो का। अब बोल रहे कि जो सात या जितने भी पैसे जीतेगा वो लेके नहीं जाएगा, वो पे करके जाना पड़ेगा उसको। लास्ट सीजन 12 आया था वो ऑलरेडी टॉप था, अब सीजन 30 में टॉप पे। ये सबका प्रॉफिट जाता है मुकेश अंबानी जी को भाई। जियो सिनेमा में सब कुछ आ गया है, खतरों के खिलाड़ी आ गया है, तारक मेहता आ गया है, CID आ चुका है, अनुपमा आ चुका है, इंडियन आइडल आ चुका है, केबीसी आ चुका है, HBO के सब मूवीज आ गए, बिग बॉस तो है ही, और वोट और जिसने भी बहुत जल्दी मर्ज हो जाएंगे। मतलब भाई अंबानी जी जैसे ही मार्केट में घुसे पूरा मार्केट हिलाए नहीं खत्म कर दिया। अभी अंबानी जियो का फोन सर्विस से मैसेज बोलते होंगे, क्यों हिला डाला ना। बट द नेशन वॉन्ट्स टू नो ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है, क्योंकि इसमें खतरे होते हैं। ऑफ कोर्स भाई, एक साइकोलॉजी बताऊं तो इंडिया में जब जब कोई खतरों से खेलता है लोगों को बहुत मजा आता है। अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड बन रहा हूँ 24 आवर्स के लिए, आपको मजा आएगा वीडियो देखने का, आपको लगेगा ये इसको मार पड़ेगी, इसको डर लगेगा, तो मेरे को भी मजा आएगा। तो बेसिकली वही होता है भाई, जब कोई बंदे के ऊपर कोई गुजरता है ना तो सब लोग दूसरों को लग के मजा ही आता है उसको। जोक से बढ़ ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही काम है, जिस वजह से भाई बिग बॉस आज तक जैसे न्यू चैनल डिबेट शो भी चलते हैं। हमारा चैनल खतरों से नहीं खेलता, हमारा चैनल दिलों से खेलता है। बेसिकली खतरे तो सबसे पहले रीजन, बट इसके अलावा भी इस बार काफी तगड़े तगड़े कंटेस्टेंट है भाई। मतलब जिनके आपने नाम सुने रखे होंगे पहले, डेजी शाह भाई, शिव ठाकरे बनाओ तो बिगेस्ट सीजन जिससे ये शो ज्यादा चल रहा है। बट इसके अलावा काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट है जो शो में आए हैं, ऐश्वर्या शर्मा, रोहित बोस, रोहित चतुर्वेदी और बहुत ही ज्यादा लोग भाई। बट सबसे इंपॉर्टेंट दो ही है भाई, डेजी शाह और शिव ठाकरे। अब आप इन सेलिब्रिटीज को उठा लो और इनको मगरमच्छ के सामने छोड़ दो, मजा नहीं आएगा आपको? आपको डेफिनेटली मजा आएगा देखने में। मतलब बिग बॉस के लोग को खुला छोड़ दो एनिमल्स के साथ, वो खतरों के खिलाड़ी है, जिस वजह से भाई हमको दिखता है कि जो जो बिग बॉस में आया वो खतरों के खिलाड़ी में आते ही आता है। वैसे इस बार भी शिव ठाकरे को तो इसलिए लेके आए, उसके साथ साथ एमसी स्टैन को भी बुलाए थे, बट वो बोले कि नहीं कि मेरे 80,000 के शूज पहन के मैं नहीं कर रहा ये पानी वानी में नाचना वाचना, जो कर ये भद्दी तो करने लिखता है, मैं अच्छे लिखता हूँ। बट भाई पॉपुलैरिटी के लिए कौन गिरना पड़ना चाहता है यार। भाई मैं उनका डर का मजाक नहीं बना रहा, बट काफी सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ करे जाते हैं, जिस वजह से भाई ये लोग को ये तरह कि हाँ मैं वो कर लूंगा बट मरूंगा तो नहीं, इतना तो पता है मेरे को, इतना वहाँ पे सेफ्टी होता है। बस उनको अपने डर से लड़ना होता है, जो मुझे अच्छा लगता है। तो अगर मुझे कभी चांस मिलेगा खतरों के खिलाड़ी में तो मैं डेफिनेटली नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं मेरे डर को मैनेज कर सकता हूँ। छिपकली आती, डर गायब। भाई मूवीज एंड टीवी शो में सेलिब्रिटीज के रिएक्शन देख के हम थक गए, इसलिए अब इनके रियल एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं, इसलिए इनको खतरों के खिलाड़ी में लेके आते हैं। अब रियल नहीं समझे, रियल RYAL। AC बंद हो गया, जो हेडफोन सुना है ना उसको पता लगेगा। भाई शो में जितने भी एनिमल्स होते हैं काफी तक रियल होते हैं और साउथ अफ्रीका से मंगाए जाते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है कि ये शो इंडिया में होस्ट करा नहीं जाता, क्योंकि इंडिया में एनिमल्स को हार्म पहुंचाना बहुत ही ज्यादा इलीगल है। तो भाई सिंपल भाषा में जानवरों को अच्छे से रखना चाहिए भाई, कैद करके मत रखो। अगर तोता है कैद करके मत रखो उनको, अगर मैं आपको कैद करके रख लूं कैसे लगेगा आपको? सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ZooPark। बट भाई सिंपल भाषा में एनिमल से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप उनको छेड़ोगे तभी वो आपको काटेंगे फिर अटैक करेंगे। सेकंड तो कंटेस्टेंट होंगे, बट सबसे थर्ड आते हैं रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी इस शो में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले पार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली इसके पहले भी काफी बड़े बड़े लोगों ने इसको होस्ट करा, जैसे अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, प्रियंका चोपड़ा, मतलब प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन कपूर। बट जो रियल खतरों से खेल सकता है वो है रोहित शेट्टी। जो दो कार के ऊपर एक कार चढ़ा के घुमा सकते हैं ना, वो है रोहित शेट्टी। जिस वजह से भाई इनको डाला गया था एक शो में, उससे भाई शो की TRP बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि रोहित शेट्टी जो है ना वो लगते हुए हाँ वो उसी बिरादरी से आते हैं, और वो शो होस्ट नहीं करते, वो सुपरवाइज भी करते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सही स्टंट है या नहीं स्टंट है, और कैसे स्टंट को और ज्यादा खतरनाक बनाया जाए। तो भाई ये वन ऑफ द रीजन जिस वजह से शो ज्यादा चल रहा है, और उन्होंने खुद ने कंफर्म किया कि सीजन 13 को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये शो स्टार्ट 2008 में हुआ था और अब इसको टोटल 13 सीजन्स हो चुके हैं, और अभी 13 सीजन स्टार्ट ही हुआ है, अभी ये और 3-4-5 हफ्ते चलेगा, उसके बाद भाई बिग बॉस और आ जाएगा, और तब तक बिग बॉस ODT चलेगा। मतलब भाई जो कैलेंडर बनाया गया है ना काफी तक आपके देख के बनाया गया, जैसे थोड़ा सा बिग बॉस ODT खत्म होने आ रहा है वैसे खतरों के खिलाड़ी, अब जैसे खतरों के खिलाड़ी खत्म होगा बिग बॉस, अपॉर्चुनिटी नहीं रुकनी चाहिए। हमने भी खतरों से खेला है बट आपके लिए, इसलिए तो हमने 30 डेज चैलेंज लिया है।
तो 30 डेज चैलेंज हमारा काफी अच्छा चल रहा है। वैसे आप बताओ आप क्या चैलेंज लिए थे, क्योंकि कमेंट्स कम हो रहे थे डे 7 डे 8 के। लगता है जो जो बोला था ना डे 1 डे 2 डे 3 वो सब लोगों ने स्किप कर दिया। हमने स्किप नहीं किया, हम अभी भी कर रहे हैं। पर खतरों की लड़ से हम एक चीज डेफिनेटली सीख सकते हैं कि खुद के डर को इतना भी ज्यादा बड़ा मत बनाओ कि वो आपको डोमिनेट करने लगे। डर को हर बार ओवरकम करना बहुत जरूरी है। आपको खुद को अनकंफर्टेबल पोजीशन पे डालना पड़ेगा, तभी तो वंडर्स होंगे। टीनो जेम जिन्होंने शो करा था उन्होंने बोला कि भाई ये शो का पार्ट होने के बाद अब मैं बहुत ज्यादा फियरलेस हूँ, जो डर मुझे पहले थे वो सब मैंने डर खो दिए हैं। तो भाई अब वो लाइफ में और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं अनकंफर्टेबल पोजीशन में जाने के बाद। तो भाई यही है भाई, अपने अनकंफर्टेबल पोजीशन पे जाओ और डेफिनेटली आपको कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी मेरे को आपको। वेंकी बोलता है कि नेक्स्ट वीडियो अमेजिंग होगी। किस किस को ऐसे ही याद है कमेंट करना। एक्शन वी विल रॉक यू। डे 8 ऑफ 30 डे चैलेंज। सब लोग मेरे मजाक उड़ाते हैं, मैं हाथ हिलाता हूं तो आप लोग भी कमेंट करते हो हाथ क्यों हिलाता है, इतना कंफर्टेबल लगता है। वैसे लगता है कि मैं पंछी उड़ रहा हूं। 6 नहीं वैसे नॉर्मली रख लो भाई, 11 के बाद क्या करोगे, कहाँ से लाओगे? देखते हैं तुम दोनों के हाथ लगा देंगे।